यू जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यू जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल मेरे दोस्त, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ नई यूनिट जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल बॉन्डिंग हमने कवर कर दी थी, बीच में एक स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो अभी नहीं कवर किया है। क्यों? क्योंकि जेई मेन्स और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो डिलीटेड पोर्शन में है, तो पहले वही एग्ज़ाम हमें डील करने हैं, तो इसीलिए हम उसको अभी साइड रखते हैं। हाँ, हालांकि जो उसकी चीज़ें यूज़ होंगी उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेंगी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जिसमें कि आप क्या क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस देखोगे, ठीक है। आज का ये जो अपना टारगेट रहेगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पे बात होगी, और बहुत सारी कुछ टर्म्स जो आपको इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे, ठीक है, तो उन पे मैं आपसे बात करूँगा। देन नेक्स्ट क्लास से फिर हम अपने मेन कंटेंट पे आएंगे, बताओ, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक टर्मिनोलॉजीज को। सबसे पहले सर ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ठीक है, तो देखो यार इसका संधि विच्छेद जब आप करते हो, बाइफरकेट इसको करते हो, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या? देखो एक तो इसमें है थर्मो, ठीक है, एक वर्ड क्या है इसमें, थर्मो है, और एक है डायनेमिक्स। थर्मो यहाँ पे रेफर करता है बेटा हीट के लिए, या थर्मल एनर्जी कह लो आप, ठीक है। तो थर्मो यहाँ पे क्या है, थर्मो रेफर्स टू हीट, और डायनेमिक मतलब होता है मोशन या फिर फ्लो, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि फ्लो ऑफ हीट है ना, हीट जो मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह उसके साथ डील करेगा, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या बच्चों, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ फ्लो ऑफ हीट। कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है, उसको हम बात करेंगे। और सर इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं क्या, मतलब आप पढ़ा रहे हो ठीक, तो इसका कुछ यूज है क्या? देखो आप, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ आपसे, तो ये आपको कौन सी रिएक्शन कब होगी या नहीं होगी उसके बारे में बताएगा, ठीक है। मतलब ये तो हो गया कि हीट का क्या हो रहा है, हीट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हीट का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ठीक, उसके बारे में कैसे पता लगेगा, उसके बारे में आपको पता लगेगा देखो, इट टेल्स अस अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है सर फीजेबिलिटी का? फीजेबिलिटी का मतलब है कि कौन सी रिएक्शन कब टेक प्लेस करेगी, मतलब होगी या नहीं होगी, ठीक है, अंडर गिविन सेट ऑफ कंडीशंस। कंडीशंस का भी ध्यान रखेंगे, है ना, हर कंडीशन पे नहीं हो सकती कोई भी रिएक्शन, ठीक है सर। अब फायदा है तो सर नुकसान भी होगा ही होगा कुछ, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आपको स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताती है। जैसे कि हमें पता है H2 और O2 कंबाइन करेंगे तो H2O बनेगा, बट क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना पड़ेगा तब जाके ऐसा काम होगा, ठीक है सर। दूसरी बात, आयरन है, आयरन की रस्टिंग होती है हम सब जानते हैं, तो कब होगी सर? आज होगी। आज आपने कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रख दिया, या कल उसमें रस्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। रस्टिंग एक बहुत ही मतलब लंबा फिनोमिना है, बहुत टाइम लगता है, बट
रस्टिंग होती है ये तो थर्मोडायनेमिक्स बता देगा, लेकिन कितनी देर में होगी, कब होगी, उसका कोई आइडिया थर्मोडायनेमिक्स नहीं दे पाता है। तो अगर मैं आपसे डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये रिएक्शन के स्पीड के रेट के बारे में कुछ नहीं बताता है। इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट रेट कह लो आप या फिर स्पीड कह लो, रेट अपॉन स्पीड नहीं है, या तो रेट या स्पीड किसकी, रिएक्शन की, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं बताता है। दूसरी बात, ये केवल मैक्रोस्कोपिक चीजों के साथ डील करता है ना, जो कि बल्क में होती है। इट ओनली डील्स विद मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगी तभी थर्मोडायनेमिक्स वर्क करेगा, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के साथ थर्मोडायनेमिक्स वर्क नहीं करेगा। बताओ बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स समझ आ गया सर। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहां पे कि हीट के मोशन के साथ डील किया जाता है, साथ ही साथ इसका फायदा ये है कि आपको फिजिबिलिटी के बारे में बताता है रिएक्शन के। दूसरी बात, नुकसान ये है सर, स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताता है, रिएक्शन कब होगी, साथ ही साथ इसको आप माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए नहीं पढ़ सकते। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो ये था थर्मोडायनेमिक्स का ओवरव्यू। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों आप लोग। चलो सबसे पहले बात होगी सिस्टम में। देखो ये जो पूरा है ना अपना, जहाँ पे हम रह रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, रह रहे हैं या जिस सब मिला मिलू के सारा चीज क्या है, अर्थ प्लेन, ये सारे प्लैनेट्स मिला के यूनिवर्स कंस्टिट्यूट होता है। उस यूनिवर्स का वो पार्ट, उस यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं या जिसमें हम उसके साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना चाह रहे हैं, उस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, सिस्टम बोला जाता है। सपोज करो आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, सामने फोन है, या ऑफलाइन आप किसी क्लास में बैठे हो, तो वो क्लास जो है ना वो आपके लिए क्या है, सिस्टम है। ठीक है, अब होगा क्या, सिस्टम में यानी कि क्लास में पढ़ाई हो रही है, ये बात पता किसको लगेगी, क्लासरूम के बाहर है ना, स्कूल में पता लगेगी, स्कूल के आसपास जो रोड है उसमें पता लगेगा, भाई यहाँ स्कूल है, इसके अंदर क्लास है, यहाँ पढ़ाई होती है। ठीक है सर, तो सिस्टम यानी कि क्लास का वो पार्ट, मतलब आसपास वो पार्ट जिससे जिस पे पता लग रहा है कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, उसको बोला जाता है सराउंडिंग। ठीक है, पूरा यूनिवर्स है जहां पे हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वो सिस्टम, और हम पढ़ाई कर रहे हैं ये बात जिस जिस जगह पता लग पा रही है ना, वो क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग यानी कि हमारे रूम को और बाहरी एरिया को जो चीज सेपरेट करती है उसको वॉल बोलते हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा। तो सिस्टम क्या है सर, सिस्टम है बेटा, इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर आवर कंसिडरेशन। ठीक है, जो क्या है, हमारी कंसिडरेशन के अंडर है, जिस पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये कहानी रहेगी। उसके बाद देखो आप, जैसे ये एग्जाम्पल ले लो सर, ठीक है, सपोज करो ये आपका क्लासरूम है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बना दिया सर, ठीक, और ये आपके स्कूल की बिल्डिंग है, ये पूरा क्या है, स्कूल है। तो स्कूल क्लासरूम में हो रही है स्टडी, ये सबको पता है, तो ये हमारे लिए, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सिस्टम है स्कूल में, सबको पता है इस रूम के अंदर पढ़ाई होती है। ठीक है, इस यहाँ पे, ठीक है, सबको पता है कि क्लास में इसके है ना ये सर। अब स्कूल यहाँ ये था स्कूल हमारा, मान लो, ठीक है, दिल्ली में।
अब आप यहाँ बैठे हो हरियाणा में, यहाँ थोड़ी पता लग पाएगा यार कि किस जगह पे स्कूल है, कहाँ पढ़ाई हो रही है। वो तो जहाँ पे पढ़ाई हो रही है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पता लगेगा कि यहाँ पे क्या है, पढ़ाई हो रही है। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाई ये है आपका सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो जगह है ये सिस्टम है, और जहाँ ये बात पता लग पा रही है ये चीज़ क्या है, सराउंडिंग है। और के अलावा या इन सबको जोड़ के जो चीज़ है सारा, वो सब क्या है, यूनिवर्स है। सारी चीज़ें क्या है, यूनिवर्स। तो सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स में आपको शायद डिफरेंस समझ आ गया होगा। सिस्टम वो जगह है बेटा जहाँ पे आप किसी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो या कहीं पे रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। सराउंडिंग वो पार्ट है सिस्टम में जो चेंज हो रहा है उसको आप वहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और सिस्टम सराउंडिंग सारा तामझाम मिला के क्या बनता है, यूनिवर्स। तो बताओ, ध्यान आपको यही रखना है, ये तो मैंने एक समझाने के लिए बता दिया। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखना आप। नेक्स्ट है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है सर? सराउंडिंग बेटा वो पार्ट है यूनिवर्स का जहां से कि आप चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो जो कि सिस्टम में क्या है, टेक प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम वेयर, जहां से क्या है ना, फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड या इन सिस्टम। सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो रही है क्या, प्रोडक्ट बन रहा है नहीं हो रही है, जो भी है वो आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हो, सराउंडिंग से ऑब्जर्व करते हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट देखना आप, यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिला के क्या होता है, यूनिवर्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं तो सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर मिला के, है ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स यूनिवर्स। दोनों मिला के क्या बनाते हैं बेटा, यूनिवर्स बनाते हैं। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं? ठीक है, तो ये तीन बेसिक टर्म्स थे जो आपको पता होने चाहिए। चलो अब सिस्टम के भी अलग अलग टाइप्स हैं, है ना। जो सिस्टम जिसमें आप स्टडी कर रहे हो वो भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी आवाज भी बाहर जा रही हो, है ना, और बच्चे भी क्लास से बाहर जा पा रहे हो, तो वो ओपन सिस्टम है। हो सकता है कि आपकी आवाज जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो तो बाहर जाए बट बच्चे बाहर ना जा पाए, गेट बंद है, तो वो क्लोज सिस्टम में आ जाता है। देखो मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्लासरूम स्कूल वाला, ठीक है, ताकि सारी चीजें क्या रहें, रिलेटेबल रहें। सर स्कूल है ना, बहुत एक हम अपना क्या बोलते हैं, एक मेजोरिटी ऑफ टाइम जिस जगह पे स्पेंड करते हैं उसका नाम स्कूल है सर, है ना। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हमारी वहां से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हमें बताना है ना उसके लिए, तो उससे चीजें रिलेट करना आसान होता है। बात चलेगी बेटा ओपन सिस्टम पे। एग्जाम्पल मैंने लिया क्लासरूम का, किसका एग्जाम्पल लिया, क्लासरूम का। तो क्लासरूम में क्या है कि तीन तरीके का है भाई साहब क्लासरूम। ऐसा है दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, आवाज बाहर जा रही है, बीच में बच्चा भी है, फ्री है, बच्चे ने पूछा सर मे आई गो टू वॉशरूम, सर ने कहा जाओ, दरवाजे खुले हैं, चला गया। तो मैटर, मतलब मैटर वो होता है जो भी चीज कोई मास या स्पेस ऑक्यूपाई करे उसका मास हो, तो बच्चे मैटर हैं, टीचर मैटर है, अंदर बाहर उनका आना जाना चल रहा है, तो मैटर का एक्सचेंज हो गया उस सिस्टम में। साथ ही साथ साउंड जो कि है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो भी चलेगी। तो एनर्जी और मैटर ये, ठीक है, जहाँ पे दोनों का ट्रांसफर हो जाए वो ओपन सिस्टम। उसके बाद वही एक ऐसा क्लासरूम है जिससे कि बच्चों को भाई सख्त हिदायत है, बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, यहीं बैठो तुम, लेक्चर जब तक चलेगा, ना टीचर बाहर जाता है। तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर जो है वहां से वो नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आवाज तो सर जा रही है ना, बच्चों को भी तो जाना मना है, क्लास में पढ़ाई हो रही है ये पता लग रहा है बाहर, मतलब साउंड जो है वो बाहर ट्रेवल कर रही है।
ठीक है सर, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोज सिस्टम बोला जाता है। देन एक आता है आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो बच्चे बाहर जा रहे हैं और इतना पैक्ड है रूम है ना कि आवाज़ भी बाहर नहीं जाएगी, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हुआ है वॉल्स में, तो वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। बट सर हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अब उसी को हम केमिस्ट्री में समझते हैं। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, देखो बेटा, फ्रॉम या फिर हेयर लिख लो आप, है ना, हेयर एक्सचेंज ऑफ, हेयर एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी कैन टेक प्लेस। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं चाय का लूंगा, है ना, ग्लास लेते लेते आप देखते होंगे प्याली हाथ में रहती है, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, चाय का अपने। देखो तो केमिस्ट्री में होता भी है यार बुक्स में ये, ठीक है, टी प्लेस्ड इन ओपन कप, तो कप में जब चाय है तो भाई अगर धक्का मुक्का लगा चाय भी गिरेगी, मैटर का एक्सचेंज होगा, चाय ठंडी भी होगी क्योंकि हीट फ्लो हो गई चाय से, चाय जो कि सिस्टम है और बाहर एयर जो क्या है रूम की वो सराउंडिंग है, ठीक है। तो टी प्लेस इन अ कप इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, ओपन सिस्टम। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो आप क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है बच्चों, क्लोज सिस्टम वो होता है जहां से कि केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो, हेयर ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यहां से क्या है केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा बस, ठीक है। जैसे कि सर टी रखी है, चाय आपने रखी है, टी प्लेस इन अ कप कवर्ड विद लिड, आपने ऊपर ढक्कन लगा दिया, खूब अच्छे से उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया, ग्लास वही है आपका, ठीक है, नॉर्मल जो मटेरियल घर पे क्या होता है यूज होता है। तो ये होगा कि जब धक्का मुक्का लगेगा ना तो चाय जो है लिड से टकराएगी, वहीं वापस आ जाएगी, मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाया, लिड इस तरीके से है कि परफेक्टली आपने उसको सील पैक कर दिया है, ठीक है, चाय वहां से बाहर नहीं गिर सकती, तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट चाय ठंडी जरूर हो जाएगी सर, यानी कि एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो सकता है। देन इसके बाद आएगा बेटा क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, हेयर नाइदर एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन एक्सचेंज बिटवीन, हाँ एक्सचेंज होगा कहाँ, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कहाँ एक्सचेंज होगा, कहाँ सर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके चल रही है सारी कहानी, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में पता नहीं लग पाता है, कमेंट्स वगैरह दिखते नहीं है, देखना पड़ता है बीच बीच में सर। तो नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एग्जाम्पल है बेटा चाय अब रखी है आपके थर्मस फ्लास्क में, टी प्लेस्ड इन थर्मस फ्लास्क, आप जो कि अब नवंबर का लास्ट है ना, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर तक, मतलब 38 नवंबर ही है आज, हो सकता है आज नहीं कल मिले आपको लेक्चर दिसंबर, तो ये वो मौसम है सर, रजाई से निकलने का, कंबल से निकलने का मन तो करता नहीं है, साथ ही साथ हमारे घर वाले बहुत ही केयर करते हैं हमारी, ठीक है, एक वही लोग हैं जो कि मतलब बिना किसी फायदे के, पता है यार पड़ेगा सर, पड़ेगा तो अपने लिए पड़ेगा, हमारा क्या करेगा, है ना, नहीं भी पड़ेगा तो भी खाना तो वो देते ही हैं, दाना पानी आपको, वैसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सर्दियों में, ठीक है, और मम्मी ने देखा तब वो कहेंगे बेटा चाय बना के रख दूँ क्या, ठीक है, तो चाय बना के ये नहीं कि फ्राई पैन में छोड़ देंगे, वो आपको जो है किचन में भी नहीं भेजने, वो कहे बेटा तू पढ़ ले बस, एक काम है तेरा, बाकी सारी हम मदद करेंगे, तो चाय भर के रख दी जाती है किसमें, थर्मस फ्लास्क में। अब होता क्या है उससे कि चाय रात को बना के रखी गई, सुबह भी आप देखोगे ना तो वो नॉर्मल
उस टेम्परेचर पे दिखेगी आपको, ठीक है। तो हुआ क्या, चाय गिरी, गिर तो सकती नहीं है सर, थर्मस अच्छे से पैक। दूसरी बात, हीट का एक्सचेंज भी नहीं हुआ, ठीक है। तो वही वाली बात है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का जो है ना ही मैटर का ट्रांसफर हो सकता है, बट परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। अगले दिन आप उस चाय को यूज नहीं कर सकते, आज रात बनाया कल मॉर्निंग तक चल जाएगा, देन नेक्स्ट डे नाइट तक नहीं चल सकता, तो फिर वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही रीजन है बेटा, हम यहाँ पे एक नोट दूंगा आपको जो कि ये बता रहा होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है क्या परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम बन सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम, है ना, परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है, कि मतलब उससे बिल्कुल ही जो है वो एक्सचेंज ना हो, मैटर का तो नहीं होगा बट एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, तो ये बेसिक सिस्टम के टाइप्स थे। अब हम बाउंड्री और वॉल्स, क्या होती हैं सर बाउंड्री या वॉल्स, ये बेटा वो चीज़ है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से जुदा करने वाली चीज का नाम ही है बेटा बाउंड्री या फिर वॉल्स। अब वॉल्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं, रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब है कि आप, है ना, उसमें जो है मैटर का एक्सचेंज नहीं करा सकते, वो फिक्स हैं। बट फ्लेक्सिबल क्या है, उनकी बाउंड्रीज जो है वो क्या है, कम ज़्यादा लेंथ उनकी बढ़ सकती है ना। तो रिजिड का मतलब है कि उनके जो वॉल्यूम वगैरह है, वॉल्यूम कह लो या फिर और मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज विल रिमेन कॉन्स्टेंट। फ्लेक्सिबल ये है कि वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट ऑफ मैटर अक्रॉस देम, ठीक है। बताओ समझ आ रही है बात। रिजिड वो है यार जहाँ पे आप कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, वो अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। क्लासरूम और बाहर जो कॉरिडोर है उसके बीच में जो वॉल है वो वही रहेगी, आप उसको पुश या पुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई टेंट लगा रखा है उसके अंदर, है ना, कोई फंक्शन चल रहा है, तो टेंट को जो है आप आगे पीछे कर सकते हो, जिससे कि आपका जो स्पेस है वो कम ज़्यादा हो सके। तो उसी तरीके से है बेटा रिजिड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट है रियल एंड इमेजिनरी। इसका बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके पास। कुछ होती हैं बच्चों रियल बाउंड्रीज, जैसे कि, जैसे बताओ सर, जैसे यार हीटर है ना, हीटर चल रहा है, तो उसमें क्या है कि वो मतलब एक पूरा एपरेटस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें आगे मतलब वो बना रहता है ना प्लास्टिक का, और ग्रिल्स टाइप लगी रहती है। आपको पता है यार, अगर इसके अंदर मैंने हाथ या फिर टच किया तो ये है कि मुझे ज़्यादा सीवियर बर्न्स हो सकते हैं, पता है, दिख रहा है, रियलिटी में दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर आप ट्रिप पे गए हुए हो, ठीक है, सर्दियों का मौसम है, टूर बना लिया शिमला मनाली का, बनाना मत, ठीक है, पहुंच के अच्छी जगह पहुंच के करेंगे ना सर, है ना। अभी तो अपने को एक टारगेट है अपने पास, तो आपने बॉन फायर किया, फायर, बॉन फायर मतलब लकड़ी वगैरह लगा के, है ना, रोड साइड पे, तो वहाँ क्या है, फ्लेम निकलेगी वुड में से, वहां आपको कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी, जिसको आप क्या कर सकते हो कि हाँ भाई पता है यार यहाँ पे बाउंड्री है, इससे आगे टच करेंगे तो हैंड क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो वहां आपको एक इमेजिन करके चलना पड़ता है, अच्छा यार जहाँ तक फ्लेम्स दिख रही है ना, बस यहीं तक हाथ हम ले जाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा आगे ले गए तो काम 35 हो सकता है। तो रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब है यहाँ पे कि
विच आर विच इज सीन बाय अवर नेक डाइस, ठीक है, जिनको आप अपनी जीते जागती आंखों से देख सकते हो। इमेजिनरी का मतलब क्या है? विच आर नॉट विजिबल टू अस, हमारे को दिखेंगी नहीं, आपको खुद सेट करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई वी सेट देम अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज, जैसा हमें पता है फिर हम उसके हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये रियल और इमेजिनरी का है, बेसिक टर्म्स हैं। क्या पूछा जाएगा वो भी मैं लेके आऊँ, इनमें से पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। एडियाबेटिक बेटा वो वॉल्स हैं जिनके थ्रू हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, रिजिड के थ्रू मैटर नहीं हो पा रहा था, कम ज़्यादा है ना। तो एडियाबेटिक वो वॉल्स हैं, वॉल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ हीट कैन नॉट टेक्स प्लेस। समझ आ रही है बात? एडियाबेटिक वॉल्स क्या हैं? जिनके थ्रू हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। वहीं अगर मैं डायाथर्मिक की बात करूं तो एक्सचेंज हो सकता है ना, एक्सचेंज ऑफ हीट कैन टेक प्लेस। बताओ बच्चों, एडियाबेटिक और डायाथर्मिक का मतलब समझ आया? आ गया सर। एडियाबेटिक का मतलब है ऐसा वॉल या ऐसी बाउंड्री जिसके थ्रू आप हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं डायाथर्मिक की बात करूं तो ये जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच आप हीट का एक्सचेंज करा सकते हो। ठीक है, परमिएबल एंड नॉन परमिएबल। ठीक है, तो परमिएबल का मतलब है बेटा यहां से आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, मैटर कैन मूव अक्रॉस परमिएबल वॉल्स, कहाँ? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इसकी नॉन परमिएबल की, ठीक है, तो यहाँ पे मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज, यहाँ पे आप मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक है, तो परमिएबल मतलब ऐसी वॉल्स जिनके थ्रू है ना मटेरियल जो भी है, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल है जो कि सिस्टम सराउंडिंग्स के अक्रॉस मूव कर सकता है बट नॉन परमिएबल के थ्रू नहीं कर सकता है। बताओ सारे टाइप की वॉल्स बाउंड्रीज क्लियर हुई? मेनली वॉल्स हैं क्या सर? ये वो चीज़ है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। अब ये फिक्स भी हो सकती है, ये मूवेबल भी हो सकती है सर, ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ये डायाथर्मिक भी हो सकती है हीट का एक्सचेंज हो जाए, ये एडियाबेटिक भी हो सकती है हीट का एक्सचेंज ना हो। सर ये परमिएबल हो सकती है, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल इस वॉल के अक्रॉस मूव कर जाए, ये नॉन परमिएबल भी हो सकती है, वो मटेरियल मूव ना करे। तो ये थी आपके पास टाइप्स ऑफ वॉल्स। अब मैं बात करूंगा बेटा स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट मतलब उसका हाल। तो उसका हाल हम बता सकते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे आप हो, आपका एड्रेस पता लग जाए तो पता लग जाएगा आप कहाँ रहते हो, या फिर अगर आपका स्कोर पता लगा है ना मार्क्स में, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि आपने कैसी तैयारी की दी होगी या आपका कैसा नॉलेज लेवल है, कोई हमने क्विज ली वहाँ से आपका IQ लेवल पता लगा। तो स्टेट यानी कि उसका हाल, सिस्टम का हाल चाल जानने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है मेजरेबल, उनके थ्रू आप इसका हाल चाल बता सकते हो। तो स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं, स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी डिफाइंड यूजिंग सर्टेन पैरामीटर्स
दैट इज क्या क्या है सर? वो यार प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ मैटर इन इट। अब वो मोल्स में आए या किसी और चीज़ में आए, बट अमाउंट, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और अमाउंट, इसकी हेल्प से आप क्या है किसी भी सिस्टम के बारे में बता सकते हो। स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी डिफाइंड यूजिंग दीज पैरामीटर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। अब किसी सिस्टम की अगर आपको प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, तो दो तरीके से आप बता सकते हो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब आपने हालचाल ले लिया उसका, अब आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो दो तरीके से होगा। एक तो होगा कि जो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन द सिस्टम पे डिपेंड करे, ठीक है, एक वो होगा जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे। मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, दो होते हैं, एक्सटेंसिव होता है और इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव में इन आ गया, इंडिपेंडेंट में भी इन आता है, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, इन इंडिपेंडेंट, वहां से आप रिलेट कर लेना, तो एक्सटेंसिव पे डिपेंड करेंगी, है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब है दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ, ना ये तो डिपेंड करती हैं सर, है ना, ये क्या कह रहे हो आप, एक्सटेंसिव है ना, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट है, दे डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के अंदर मैटर का जो अमाउंट है उस पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ, क्लियर है ये बात? ठीक है सर, थोड़ा समझाओगे? ये तो थ्योरी लिख रहे हो आप, जो समझा देते हैं बेटा। देखो आप, जैसे ये रूम रहा आपका, पहले यहाँ पे प्रेशर पी था, वॉल्यूम था वी, टेम्परेचर था टी, ठीक है, ये कहानी थी। अब क्या हुआ, प्रेशर को अभी हटा देता हूँ मैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, विभाजन कर दिया, आपने रूम को क्या किया, डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, ये आपका रूम था। अब इसको आपने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, आपने टू इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड। क्या बेटा, यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर बदल जाएगा? अरे जिस रूम में आप बैठे हो उसी का एग्जाम्पल ले लो, बीच में अगर एक कर्टन डाल दो तो जो इधर का टेम्परेचर रहेगा वो इधर का टेम्परेचर रहेगा, सिमिलर बात यहाँ है। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन जो मैटर का अमाउंट है, गैस मान लो कोई भी गैस है, तो गैस के लिए वॉल्यूम कैसे डिफाइंड होती है, स्पेस अवेलेबल फॉर इट्स मॉलिक्यूल टू मूव। गैस की वॉल्यूम डिफाइन होती है सर, कितना स्पेस अवेलेबल है उसके मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए। तो यहाँ तो इतना स्पेस था वी, अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वी बाई टू और वी बाई टू, बताओ समझ आ रही है? तो अंतर समझ आ गया आपको अमाउंट का, टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करा, वहीं वॉल्यूम जो है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी। तो अगर मैं आपसे बात करूं अमाउंट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो किसका आ गया बच्चों, टेम्परेचर का आ गया, बताओ समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक है, और चीजें हैं आपकी, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी यार वाटर की 1 ग्राम पर ml ही रहेगी, चाहे आप एक बाल्टी पानी ले आओ चाहे एक गिलास ले आओ, पानी या किसी भी मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वही रहेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं आपसे बात करूं, स्टैंडर्ड की, ठीक है, क्योंकि तो वो डिफाइन होता है पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें मतलब नहीं है
कि आपके सिस्टम में जो है वो कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उनकी वैल्यू जो होनी है वो वही रहेगी। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं? इसी से उल्टे आपके क्या आ जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, दे आर इनडिपेंडेंट। ठीक है, एक्सटेंसिव। स्लाइड तो चेंज करी नहीं सर आपने, ठीक है स्लाइड चेंज कर लो। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख के बता देता हूँ आपको क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दे डू नॉट डिपेंड, तो इंडिपेंडेंट कह लो, है ना। ये क्या है, आई एन मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इनसाइड सिस्टम। उन्हें मतलब नहीं है कि सिस्टम के अंदर जो है वो कितना अमाउंट है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप इनके कहते हो तो अभी मैंने दिखाया वॉल्यूम, ठीक है, और मास है, ये भी जो है डिपेंड करेगा कितना अमाउंट है उसके हिसाब से आप ये कम ज़्यादा हो सकता है। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, उससे रिलेटेड ईटीसी कुछ और भी हो सकता है ना। नोट देखना आप बेटा, अगर ए और बी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए मल्टीप्लाई बी जो है वो भी क्या होगा, एक्सटेंसिव ही होगा। ठीक है, वहीं ए अपॉन बी जो क्या है वो इंटेंसिव हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है बताओ सर। मास जो है वो क्या है, मास जो है वो आपका, मास जो है वो आपका क्या है, एक्सटेंसिव है, डिपेंड करता है अमाउंट पे। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। अब रह क्या गया, इनका रेशो। तो ए अपॉन बी जो होगा वो इंटेंसिव होगा, लेकिन जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, डेंसिटी रहेगी इंटेंसिव। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी रहेगी, इंटेंसिव रहेगी। बताओ समझ आ रहा है? और बताएं आपको, मोलैरिटी देख लो आप, देखो मोलैरिटी देख लो, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स यार अगर आप 1 ग्राम लोगे तो अलग मोल आएगा, 2 ग्राम लोगे किसी सब्सटेंस का तो अलग मोल आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अपने आप में क्या है, एक्सटेंसिव है, और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव। ये तो हम प्रूव कर भी चुके हैं। तो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का जो रेशियो है वो क्या आता है, इंटेंसिव आता है। और आप ध्यान रखना बेटा, कोई भी कंसेंट्रेशन टर्म हो वो क्या होगी, इंटेंसिव होगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि ऑल कंसेंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव, सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, इंटेंसिव। इसको आप ध्यान भी रख सकते हो। ठीक है, बस रेशो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो क्या होगा, इंटेंसिव, बाकी उनका मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, वो आएगा आपका एक्सटेंसिव ही आएगा। तो ये बात आपको क्या है, ध्यान रखनी है। बताओ ध्यान रहेगी नहीं रहेगी? ठीक है सर, ध्यान रहेगी। चलो फिर, एनर्जीज की कोई फॉर्म हो, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव, कोई भी आप एनर्जी की फॉर्म ले लो वो क्या होगी, एक्सटेंसिव होगी। क्यों, क्योंकि यार उसमें मास आता है। देखो आप काइनेटिक एनर्जी देख लो, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी देख लो, एम जी एच। तो सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे एंथैल्पी, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एच से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एस से डिनोट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको जी से डिनोट करते हैं। तो ये सारी एनर्जीज की फॉर्म है बेटा, ये सारी क्या होंगी, एक्सटेंसिव होंगी।
ये सारी क्या होंगी एक्सटेंसिव, बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, डिटेल में आएंगी ये सारी चीज़ें चैप्टर में, बट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आज बात किस पे हो रही है, आज बात हो रही है सर बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए ना। बताओ क्लियर है कहानी की नहीं है? ठीक है सर, बात समझ आ रही है आपकी बहुत अच्छे से, या नहीं भी आ रही है तो समझना पड़ेगा आपको, एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार हैं हम भी, तैयार हैं एफर्ट करने को, बट आपको भी पैरेलल में एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए बात समझ आ गई। नेक्स्ट है बेटा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये क्या होता है सर? भाई फंक्शंस हैं वो वाले फंक्शन नहीं है, बोले आज हमारे यहाँ ब्याह था ये फंक्शन है एक, नहीं। ठीक है, स्टेट फंक्शन मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। जैसे अब हमें पता है कि आप जो हो, आप भाई घर से आते हो स्कूल आते हो, या घर से निकलते हो कोचिंग जाते हो, या घर से निकलते हो स्टेडियम जाते हो, हमें इतना पता है कि भाई घर से निकलना इज योर इनिशियल पोजीशन एंड योर रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। जो भी आपका काम है, खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्टेडियम जाओ कोई मनाही नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट हो स्कूल जाओ, स्कूल आपने क्या कर रखा है नॉन अटेंडिंग तो कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग जाओ। तो मुझे पता है कि आप घर से जो है अपने रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट या प्लेस पे जाते हो, आपकी इनिशियल पोजीशन घर है, आपका स्कूल कोचिंग ग्राउंड क्या है फाइनल पोजीशन है, मुझे इतना पता है। तो मैं ये बता सकता हूँ भाई ये बंदा यहाँ से था यहाँ गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्टेट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो दे डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन है सर स्टेट फंक्शन? ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर स्टेट फंक्शन, सारी क्या होते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन होते हैं। जैसे कि देखो आप, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इनका आप केवल चेंज ही निकाल सकते हो। ठीक है, डेल्टा जी फाइंड कर सकते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, आप एंथैल्पी का चेंज ही फाइंड कर सकते हो डेल्टा एच, आप एंट्रोपी का क्या कर सकते हो चेंज ही फाइंड। एंट्रोपी जो है हम आगे पढ़ेंगे डिसऑर्डरनेस दिखाती है सिस्टम में, एंथैल्पी एक तरीके से एनर्जी, ये सारी क्या है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी है, तो उसका भी आप केवल क्या देख सकते हो चेंज देख सकते हो। तो एनर्जीज जो है वो सारी तो पहले एक्सटेंसिव थी, दूसरा उसके बाद वो क्या है स्टेट फंक्शन है, उनका आप चेंज निकाल सकते हो, आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं पाथ फंक्शन की बात करूं बच्चों, तो दे डिपेंड अपॉन पाथ ट्रेवल्ड बाय सिस्टम, है ना। अब अगर मुझे पता है यार ये घर से निकलता है पहले चाय के कोके पे रुकता है, चाय पी के जाता है ना, फिर अपने दोस्त को पिक करता है उसके साथ, फिर वहां पहुंचता है, तो इतनी बात अगर मुझे पता है तो मैं बताया भाई आपका पाथ मुझे पता है, इस रास्ते से आप जाते हो, तो मैं हर समय की आपकी जानकारी दे सकता हूँ। तो ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो किस पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं, इनिशियली फाइनली जहाँ है वो तो ऑब्वियसली काउंट होगा ही पाथ में, बट किस रास्ते से वहां तक पहुंचे वो भी काउंट होगा, तो उनको क्या कहा जाता है पाथ फंक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल है बेटा हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क जो है वो आपके क्या है पाथ फंक्शन है, इसको आप ध्यान रखोगे। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्लियर हो गए? ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, क्लियर है मामला, चलो हटाए इसको। आगे देखना टाइप्स ऑफ प्रोसेस, अच्छा सिस्टम और सराउंडिंग के थ्रू जो एक्सचेंज हो रहा है ना, मैटर का हो या एनर्जी का हो, वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हो सकता है,
अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो हो सकता है। कभी कभार आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हो, कभी कभार आप प्रेशर कांस्टेंट कर सकते हो, कभी कभार आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर सकते हो। मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को कांस्टेंट किसी एक को करोगे तभी तो बाकी के बीच में आपको रिलेशन पता लगेगा। ये सारी बदलती रहेंगी तो कैसे हम उनके सिस्टम के बारे में जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, पहले ना ऐसा होता था, ये क्या हुआ, पहले ना ऐसा होता था। बताओ अब सही हो गया? ठीक है, हाँ सर सही है। अब बात होगी बेटा किस पे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे। तो पहला टाइप क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो कहाँ टेक प्लेस करता है? वो टेक प्लेस करता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा यहाँ। नेक्स्ट देखो आप, आइसोबारिक। आइसोबारिक जो प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, आइसोबारिक जो प्रोसेस है ये टेक प्लेस करता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? कौन बार, क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है, तो ऐसे ध्यान रख लो आप, इट इट टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो है वो आपको चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है कि नहीं, आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में? ठीक है सर, डिटेल में बात होगी जब आएगा प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक जो है, आइसोकोरिक बेटा कोर काम करना है ना, वॉल्यूम, तो ये जो है ये वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेगा। इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कहाँ पे होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि डेल्टा वी जो है वो जीरो आएगा। आइसोथर्मल में टी का चेंज जीरो आएगा, आइसोबारिक में डेल्टा पी क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, लास्ट है, मतलब लास्ट तो नहीं है, इसके बाद और है। देन आएगा आपका क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? हेयर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। बताओ ये बात समझ आ रही है आपको, एडियाबेटिक क्या होता है? ठीक है, तो एडियाबेटिक वो प्रोसेस है सर जहाँ पे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है सर, देन आएगा आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है बच्चों, हेयर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम बहुत आ रहा है सर, सिस्टम वाले पकड़े गए बेटा, हम तो जानते भी नहीं थे कौन है ये सिस्टम वाला। हरियाणा में है तो गाने सुनने को जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, हेयर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम। बहुत बातें हैं यहाँ पे जो आपको पता लगेंगी। अब देखो, अभी अभी आपने पढ़ा था पाथ फंक्शन, सॉरी स्टेट फंक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ, झूठ मत बोलना यार, पढ़ा था ना? हाँ सर पढ़ा था। स्टेट फंक्शन होता है जिसकी जो वैल्यू है वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करती है। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या हुआ है ना, लौट के बुद्धू कहाँ आ गए? घर को, जहां से चले थे घूमने फिरने लौट के वहीं आ गए, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी घर और पूरा सैर सपाटा करके घर पहुंचे, फाइनल पोजीशन भी घर, तो क्या कोई चेंज आएगा उसकी पोजीशन में? नहीं आया। यानी कि पाथ फंक्शन के लिए साइक्लिक प्रोसेस में वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन फॉर
साइक्लिक प्रोसेस रिमेन्स जीरो, है ना। साइक्लिक प्रोसेस के लिए पाथ फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, जीरो। मैं पूछूंगा बेटा आपसे ये बातें, है ना, डेल्टा यू डेल्टा एच डेल्टा जी का क्वेश्चन बन जाएगा ग्राफिकल। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम दी होंगी, आपसे पूछेंगे बताओ, जैसे ठीक ए से बी गए, बी से सी गए, फिर सी से ए आए, तो वो कहेंगे कि आप बताओ इंटरनल एनर्जी का चेंज बताओ, फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज अलोंग पाथ ए बी सी। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, ए से बी गए, बी से सी गए, वापस कहाँ आ गए, ए पे आ गए, तो है क्या यहाँ पे बेटा, सिंस फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस यहाँ पे क्या है, सेम है, आर सेम, सो नो चेंज इन वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, जिसकी वजह से ठीक है डेल्टा यू, यू से इंटरनल एनर्जी दिखाते हैं, वो क्या आ जाएगा, यूरो, यू जीरो आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा एच भी आपको जीरो देखने को मिलेगा, डेल्टा जी भी जीरो मिलेगा, डेल्टा एस भी क्या जीरो मिलेगा, है ना, किसके लिए, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। आगे चल के चैप्टर में ये बातें होंगी, तो ये बात नहीं होनी चाहिए, सर आपने बताया नहीं था, ठीक है कि नहीं, बताओ आ रही बात समझ में, तो इसको आप ध्यान रखोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना, देख लो एक बार, ठीक है सर, आगे देखना आप, साइक्लिक हो गया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसको ऐसे समझो यार, देखो अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, मैंने कहा रुको पीछे आओ, आप आ सकते हो, लेकिन अगर आप दौड़ रहे हो तो दौड़ते हुए मैं कहूँ रुक भाई पीछे आ जा, गिर जाओगे आप, ठीक है। तो वही वाली बात है कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो कि जैसे आपने एक स्टेप आगे रखा, आप पीछे आ सकते हो, उस स्टेज पे हो, तो ऐसा काम करने के लिए आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो बहुत ही स्लो होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा का एसेंट अपना वैसा ही है, है ना, मतलब नेटिव वगैरह पहाड़ साइड का है तो वो ऐसा निकल जाता है, बाकी सही है, अगर सोच समझ के बोले ना तो सही आता है, बट सोच समझ के बोलने वाला तो यहाँ से बोलता है ना, यहाँ से बोलोगे तो रैंडम वर्ड्स निकलेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो प्रोसेस बहुत ही स्लो स्टेप्स में होना चाहिए, इनफाइनाइटसिमली स्लो स्टेप्स भी उसको बोला जाता है, बुक में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, बिकॉज आपको वापस आना है ना, और वापस आना है तो फिर हल्के हल्के चलना पड़ेगा। साथ ही साथ आप इक्विलिब्रियम एक वर्ड होता है बेटा, जिसमें कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के, तो आपका जो इन्हीं मतलब अपना प्रीवियस स्टेप है और जो आने वाला स्टेप है वो एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल आप समझना, देखो यहाँ पे आपके सामने कंटेनर रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, पिस्टन रखा है। अब इस पिस्टन पे आपने क्या किया, ठीक है ये पिस्टन है, इस पिस्टन में आपने क्या किया, यहाँ से 5 kg वेट रख दिया, इस पे क्या रख दिया, 5 kg जो है आपने वो वेट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, पत्थर रख दिया मैंने, गुलाबी कर दिया पत्थर को, गुलाबी गुलाबी है शमा, है ना, मैं भी गुलाबी तू भी गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी है शमा, यही तो होता है गाना। देखो 5 kg का आपने क्या रख दिया, वेट रख दिया, तो जाहिर सी बात है सर रखते ही, है ना, ये क्या आ जाएगा, बहुत तेजी से धड़ाम से ये नीचे आ जाएगा कुछ इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गैस भरी है तो अब क्या हो जाएगा, गैस विल बी कंप्रेस्ड, गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड, ठीक, वॉल्यूम पहले V1 था तो अब क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब हटा लिया आपने, ये नहीं रखा रहा, ठीक है, हटा लिया आपने, और होगा क्या, V1 ग्रेटर होगा V2 से, ठीक है, इसका मतलब
गैस इज कंप्रेस्ड। रिवर्सिबल में क्यों बता दिया ये? गैस इज कंप्रेस्ड वेरी फास्ट। ये बेटा रिवर्सिबल के लिए नहीं, आप इसको किसके लिए कर लेना, इरिवर्सिबल के लिए कर लो, देखो इसके लिए ठीक है। ये सारी बात किसके लिए, देखो जादू हो गया, ये सारी बात किसके लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मतलब जो बहुत ही तेज हो जाए वापस। अब ये थोड़ी आप इसको पीछे ला सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, दीज प्रोसेसेस टेक्स प्लेस वेरी क्विकली एंड एंड देयर डायरेक्शन एंड देयर डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय आप उनके डायरेक्शन को जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आपने सर गलत कर दिया था, अरे यार वो हेडिंग नहीं देखी, ठीक है। इरिवर्सिबल समझ आ गया सर, वापस नहीं आ सकता। देन बात करते हैं आपसे रिवर्सिबल के लिए, किसके लिए बात होगी, रिवर्सिबल के लिए। तो देखो रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल के लिए इस बार मैं 5 किलो का पत्थर नहीं रखूंगा, है ना। इस बार हम 5 किलो का पत्थर ना रख के, ठीक है, थोड़ा सा सेंड रखेंगे। क्या रखेंगे? सेंड पार्टिकल्स रखेंगे। पिस्टन है अपने पास और यहाँ मेरे पास क्या है, ये सेंड पार्टिकल्स। इस बार पत्थर नहीं है बच्चों, इस बार क्या है, सेंड पार्टिकल्स। तो जब इन पार्टिकल्स को आप यहाँ रखोगे, ठीक है, तो बहुत ही नाक के बराबर चेंज आपको देखने को मिलेगा, है ना। पिस्टन बहुत ही स्लोली नीचे जाएगा, पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड्स वेरी वेरी स्लो, बहुत ही स्लो तरीके से। क्यों? पत्थर रखा था, अब आया तुम दाने रख रहे हो, धूल मिट्टी का कद्दू जाएगा नीचे? नहीं जाएगा सर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट सिमली स्मॉल स्टेप्स, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। एंड ठीक है, और साथ ही साथ ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स प्रीवियस स्टेप, और हर एक स्टेप जो है क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है अपने प्रीवियस स्टेप से, ठीक है, बात ध्यान रखना। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्लियर हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सारे प्रोसेस हैं जिस तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या है, एक्सचेंज हो सकता है मैटर का या फिर एनर्जी का, ठीक। चलो सर अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ आप, बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है ये फालतू बात थी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, इन्हीं को हम अब न्यूमेरिकल वे में पढ़ेंगे, आगे चल के डेरिवेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। बट थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर थर्मोडाइनमिक्स से एक ही क्वेश्चन बनना हुआ और किसी ने यहीं से डाल दिया तो वो सारी बातें तो बेकार है ना फिर, जब तक हमें बेसिक ही नहीं पता है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करो और बताओ मुझे, वॉट हैपन्स वेन मीथेन अंडर गो कम्बशन इन सिस्टम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो एडियाबेटिक सिस्टम में क्या होगा बेटा, हीट का एक्सचेंज तो हो नहीं सकता, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बताओ भाई, टेम्परेचर हीट कम है तो टेम्परेचर कम, हीट ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो अगर एडियाबेटिक वॉल्स हैं तो एडियाबेटिक का मतलब क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एडियाबेटिक का यही तो मतलब है, ठीक है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाया। अब मीथेन ने कंबशन किया तो क्या होगा, बताओ मुझे, बहुत ध्यान से बताना सर।
जब भी कंबशन होता है, ये रहा कंबशन, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से CO2 और H2O बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब बेटा ये एनर्जी जाएगी कहाँ? अगर एडियाबेटिक कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है आपकी? ये रिएक्शन हो रही है एडियाबेटिक कंटेनर में, तो यहां से क्या हीट बाहर जा सकती है? नहीं, मतलब अंदर ही रहेगी। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? राइज होना ही होना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। दूसरी बात, डायाथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, और सिस्टम अपने आप को वापस उसी स्टेट में ले आएगा, तो एनर्जी जो है वो बाहर चली जाएगी और टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रह जाएगा, टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। बताओ, समझ आ रहा है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया है। यार जब हीट निकली और वो बाहर जा ही नहीं पाई, सिस्टम में रही, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट डायाथर्मिक से क्या है कि एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ हीट कैन टेक प्लेस, ये ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है सर, तो हीट बाहर चली जाएगी और वो न्यूट्रल रहेगा जितना रहना चाहिए था। बताओ, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आप, अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन इज, ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा ऐसा है ना, इनका एक्सप्रेशन आपको नहीं बताया। क्यू हीट होता है, डब्ल्यू क्या होता है? वर्क, और डेल्टा यू जो होता है वो बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। क्यू यहाँ पे क्या होता है? हीट, डब्ल्यू क्या होता है? वर्क, और यू मैंने अभी अभी आपको बताया था इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है। ये क्या होता है? इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो भाई एनर्जी की सारी फॉर्म क्या थी? एक्सटेंसिव थी कि नहीं थी? बताओ, एनर्जी की सारी फॉर्म क्या थी? एक्सटेंसिव थी, बट यहाँ सर पाथ फंक्शन पूछ रहा है, तो हीट और वर्क होता है पाथ फंक्शन, तो ये तो नहीं है, है ना? ये क्या है आपका? ये स्टेट फंक्शन है। हीट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू वर्क डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं पाथ फंक्शन है, एच माइनस टी एस। आगे चल के आप पढ़ोगे जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन क्या है? एच माइनस टी एस है, ठीक है। यहाँ पे जी क्या डिनोट कर रहा है? जी डिनोट कर रहा है बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जरूर है ना आपका, क्या होता है, पाथ पथ चेंज नहीं है उसका, एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे ही फाइंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो बी और सी कहाँ बन रहा है? बी और सी बन रहा है सर ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। डी के लिए बताओ यार, एनर्जी है, एनर्जी का चेंज नहीं है, डेल्टा जी होता तो मैं कर देता, तो इसका आंसर अपने हिसाब से क्या होना चाहिए? बी और सी होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो वैसे ही फाइंड नहीं कर सकते आप। चलो नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ये भी इसी बार का क्वेश्चन है बच्चों, एनईटी में आया हुआ है। इंटेंसिव मतलब इनडिपेंडेंट, वॉल्यूम तो डिपेंड करती है, मोलर हीट कैपेसिटी आप देखो। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जब भी मोलर वर्ड लगेगा, ठीक है, वेन एवर मोलर और स्पेसिफिक वर्ड इज यूज विद एनी प्रॉपर्टी देन इट बिकम्स इंटेंसिव। फिर वो क्या हो जाती है? इंटेंसिव, क्योंकि आपने डिफाइन कर लिया बेटा, मोलर मतलब एक मोल के लिए, स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम के लिए, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव। कंसंट्रेशन टर्म सारी क्या होती हैं? इंटेंसिव होती है। ई नॉट सेल बेटा फिक्स होता है, गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म डिपेंड करती है, मोलर मास फिक्स रहेगा, ठीक है, कार्बन का मोलर मास 12 है तो 12 ही रहेगा, मोल्स कम ज्यादा हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएंगी? 3, जो कि क्या है आपका, इनडिपेंडेंट होता है। बताओ, मोल्स तो कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना, ठीक है, तो 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। 4 तो नहीं होगा बच्चों, ध्यान से देख लेना यार, वॉल्यूम तो नहीं करता है सर। ई नॉट सेल जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, या फिक्स रहता है, इनडिपेंडेंट रहता है, हाँ,
ई नॉट सेल देखो, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, और ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो एक ई नॉट सेल भी आपका क्या, इंटेंसिव, ई सेल नहीं होगा, ठीक है। ई सेल क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। तो यहाँ पे आप 4 कर देना, कितना कर देना, 4। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। चल आगे देखो आप, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज, ठीक है, स्टेट वेरिएबल मतलब स्टेट को जो डिफाइन करते हैं, यही तो कह रहे हो आप, ठीक है। स्टेट फंक्शंस या पाथ फंक्शन तो नहीं है ये, ऐसे बोलो। देखो वॉल्यूम है, ठीक है, और तो कोई है नहीं स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी कहना चाहो, हीट बताती है हाल चाल, ठीक है। एंथैल्पी एंट्रोपी, स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं ना, पाथ फंक्शन की बात कर रहे हैं या स्टेट फंक्शन की, इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी क्वेश्चन चेक करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है तो इस पर आप लोग बात कर लो। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज, ठीक है, बताओ इस पे क्या लगता है आपको, स्टेट वेरिएबल के बारे में क्या बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सोच के बताओ जल्दी से। इसको चेक कर लें कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल, ठीक है। स्टेट अगर ये हालचाल बताने वाली बात है तो हमने बात किस पे करी थी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे, ठीक है। चलो हैं तो वैसे ये सारे ही सर है ना, तो अगर मैं बात करूं आपसे किसके बारे में, स्टेट वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर हालचाल बताने की बात है तो आप एक बात नोट कर लेना, हीट एंड वर्क आर प्रोसेस वेरिएबल्स, मतलब ये प्रोसेस में चेंज होते हैं, ठीक है, इनसे प्रोसेस में फर्क पड़ता है। बाकी ये सब जो है आपका एंथैल्पी है, ठीक है, एच से डिनोट करते हो, एंट्रोपी है, एस से डिनोट करते हो, गिब्स फ्री एनर्जी है, देख लो बाकी डिटेल में ये सारे टॉपिक आएंगे, जी है आपका, ठीक है, इंटरनल एनर्जी है यू, ई से भी डिनोट किया जाता है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ठीक, ये सारे क्या हैं आपके, स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो चाहो तो आप इनको स्टेट वेरिएबल बना वहीं पे लिख भी सकते हो जहाँ पे मैंने ये लिखवाए थे आप, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये और ये, आंसर विल बी 3, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ये था अपना बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर अपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी है, हीट और वर्क है। तो आज का काम आपका रहेगा कि आप एनसीईआरटी से रीडिंग लगाओ, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, वहाँ पे एक 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 तरीके से ऐसे कंसाइज करके नहीं दिया है, कहीं वो स्टेट पाथ फंक्शन की बात करते हैं, कहीं इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बात करते हैं, तो उसको सर्च करके पढ़ने का काम आपका है, ठीक है। पढ़ा दिया मैंने कंपाइल करके, ढूंढ के आप पढ़ लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दिया करो।